दुर्ग भाजपा कार्यालय में आयोजित उप मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फरियाद लेकर पहुंची पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई, जिसे सुन शहर विधायक ने कोतवाली थाना फोन लगाया। दुर्ग में एक मामला सामने आया है, जिसमें दुर्ग कोतवाली पुलिस के आरक्षक लव पांडे के द्वारा एक युवक को घर से उठा लाने और फिर उसे नहीं छोड़ने को लेकर युवती की मां द्वारा कोतवाली थाना पहुंचकर बेटे को छुड़ाने गुहार लगाई। इसके बाद कोतवाली पुलिस द्वारा सही बात न बताकर बड़े अधिकारी भाजपा कार्यालय में हैं कहकर वहां भिजवा दिया, लेकिन वहां पहले से ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपने भाजपा सरकार के शानदार 100 दिन पूरे होने को लेकर प्रेस चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान चर्चा खत्म होने के बाद उप मुख्यमंत्री के बीच पहुंच अपने बेटे को छुड़वाने महिला ने गुहार लगाई। इसके बाद उसकी बात को शहर विधायक ने सुनकर दुर्ग कोतवाली थाना फोन लगाया। उसके बाद मामला क्या था और क्या हुआ इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं लग पाई। बहरहाल इस सब बातों से ये पता चलता है कि किस कदर लोग पुलिस के रवैये से परेशान होते हैं और न्याय की गुहार लगाने किस किस दर तक पहुंचकर अपनी फरियाद लगाते हैं। इस संबंध में दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी और शहर विधायक ने प्रतिक्रिया दी। लव पांडे पुलिस वाला उठाया तेरे को साहब बुला रहे करके, मेरा लड़का मेरे को फोन करा मम्मी क्यों बुला रहे है तू आ, तो मैं रात के वहां पे पहुंची 3 बजे रात तक थाने में थी। पुलिस वाले बोले TI आ रहे हैं, TI से बात करना। उसके बाद दूसरा पुलिस वाला बोलता कि 11 बजे आना, TI साहब अब नहीं आएंगे। मैं लव पांडे को फोन लगाई, लव पांडे रॉन्ग नंबर करके काट दिया। आप किसको फोन लगाया? मैंने लव पांडे को फोन लगाई हूँ, वो तुरंत फोन काट दिया रॉन्ग नंबर करके। 11 बजे से थाने में बैठी हूँ, मेरा लड़का बोल रहा है, इन लोग बोल रहे हैं कि 4 पेटी लगाएंगे, मम्मी मैं कुछ भी नहीं किया हूँ ऐसे करके, और घर में ही से पास से घर के दरवाजे के पास से ही लेके आए हैं और 4 पेटी दारू लगाएंगे ऐसे करके बोल रहे हैं। और मैं SP के पास गई, SP साहब भी नहीं है, CST भी नहीं है, TI भी नहीं। दूसरा पुलिस वाला बोला कि भाजपा कार्यालय में जाओ, वहां पे मीटिंग चल रही है, ऐसा करके हमको यहाँ भेजे। तो यहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं मिले सिवाय विधायक जी के। विधायक जी बोल रहे मैं फोन लगा रहा हूँ, मैं बात करता हूँ, ऐसे करके बोल रहे हैं। वो मेरे बेटा जेल गया था, जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई में 452 में गया था, उसकी आज पेशी भी है मेरे लड़के की। और ये लव पांडे रात में उठा के जबरदस्ती लेके आया, इतना सा कुछ भी नहीं है। और मेरा तेरे को साहब बुला रहे हैं, थोड़ा सा चल करके, मेरा लड़का गाड़ी चलाते हुए उसको अपनी एक्टिवा में बैठा के थाना लेके आया है और उसकी गाड़ी खड़े कर दिए और उसको अंदर बैठा दिए। मेरे बेटे का नाम विशाल शर्मा है। मेरे बेटे को छुटकारा चाहिए, क्यों जबरदस्ती लगाएंगे और क्यों भेजेंगे? यदि किसी के साथ है तो बराबर मैं कानून का साथ दूंगी कि आप ऐसा करो करके, जब मेरा लड़का कुछ किया ही नहीं है तो क्यों जबरदस्ती ऐसा करेंगे? और अधिकारियों से मिलने नहीं देते, भगाते हैं, TI का नंबर भी नहीं दिए हमको, भेज दिए भाजपा कार्यालय में जाओ, पूरे अधिकारी की मीटिंग वही चल रही है करके। CSP के यहाँ भी नहीं है, वहाँ SP कार्यालय में भी कोई नहीं, TI भी नहीं है। TI का रूम रात के 3 बजे से मैं वहाँ थी, कोई भी अधिकारी नहीं है वहाँ पे। हरना बांधा में एक सूचना मिला था कि वो किसी लड़के के साथ में मारपीट कर रहा है करके, इस आधार पे वहाँ पर जब पुलिस पार्टी गई है तो विशाल शर्मा को वहाँ पर से लेकर आए थे। काफी ज्यादा समझाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन समझ नहीं रहा था, लेकर उसको थाने लेके आए और आवेदक के द्वारा जो है कार्रवाई करने के संबंध में अभी आवेदन दिया है, अभी प्रिवेंशन एक्ट में कार्रवाई कर रहे हैं उसके खिलाफ में। ACN न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।